गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एक वीडियो जा चुकी है, ये सेकंड वीडियो है, तो अब आपको बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। आपको जो भी बोर्ड पे राइट किया हुआ है हमने, वो सब नोटबुक में राइट करना है। ये नोट्स है, और उसके साथ साथ जो भी इंडेक्स क्वेश्चंस आते जाए या एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, उन सबके सॉल्यूशंस भी आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं। तो एक वीडियो हो चुकी है, वो भी आपको राइट करना है, ये वीडियो भी, और जो भी आता जाएगा इसके बाद, वो सब आपको अपनी नोटबुक में फेयरली राइट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो इनर्शिया। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था फोर्स, और फोर्स में हमने डिटेल में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ये समझा था कि एक ऑब्जेक्ट पे जब दो बॉडीज फोर्स लगाती हैं, एक एफ ए सपोज और सेकंड हो जाएगा एफ बी, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स के लिए हम इन दोनों का सम करेंगे, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। और अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, इक्वल बट अपोजिट, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो कैंसिल आउट करके आंसर हो जाएगा जीरो। और इस तरीके के जो फोर्स लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, उन्हें हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्टेट चेंज नहीं होती, कोई भी मोशन में नहीं आ सकता ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इस तरीके के फोर्स में या इसमें जब आपके पास इक्वल फोर्स ना हो, यानी कुछ ना कुछ आपके पास नेट फोर्स बचे, एफ ए माइनस एफ बी, हो सकता है एफ ए बड़ा हो तब आपके पास आंसर पॉजिटिव में होगा फोर्स का, अगर एफ बी बड़ा हो तो आंसर नेगेटिव में होगा, बट होगा फोर्स। तो इस तरीके के जो ए और बी फोर्स को हम बोलेंगे, वो फोर्स कौन से हो जाएंगे बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स। सिंपल सी बात, ऐसा फोर्स लगाने पे जो बैलेंस हो जाए, जब ऑब्जेक्ट मोशन में ना आए, वो फोर्सेस हो जाएंगे बैलेंस। बट ऐसा फोर्स लगाए जिस पे ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। सपोज मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और ये कहीं मोशन नहीं कर रहा, कहीं नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, उसी से अपोजिट ये मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, किसी तरीके का कोई मोशन नहीं हुआ, ये फोर्स हो गया बैलेंस। लेकिन अगर मैं जैसे इस बोर्ड पे फोर्स लगा देती हूँ इस डायरेक्शन में, तो अब ये क्या कर रहा है बच्चों, मोशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैं जो इस पर फोर्स लगा रही हूँ वो ज़्यादा है, और जो ये फोर्स लगा रहा है अपोज करने के लिए वो कम है। तो इस केस में फोर्स अनबैलेंस हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स, और इसमें मोशन भी हो गया। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है फोर्स से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजिस एनी चेंज इन इट्स स्टेट, रेस्ट और मोशन। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए हमेशा क्या करता है, अपोज। वो स्टेट कोई भी हो सकती है, रेस्ट भी मोशन भी। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्कर एक जगह पर रखा हुआ है तो ये वहीं रखा रहेगा तब तक जब तक मैं इस पर फोर्स लगा के इसे वहां से नहीं उठाती। इसका मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो ये चाहेगा कि मैं रेस्ट पे ही रहूं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इस बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। वो रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं, वो मोशन में है तो वो चाहेगा कि मैं मोशन में रहूं बट अपनी स्टेट चेंज मत करूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सब लोग अपने घर बैठे हैं और आराम से आप टीवी देख रहे हैं, और वीडियो पे मैसेज आता है नोटबुक कंप्लीट करके दो, या ये वीडियो देखो, ये देखो, बट आप अपनी स्टेट में हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप नहीं चाहते वो वीडियो देखना या आप नोटबुक कंप्लीट करना। तो ये जो आपके अंदर की प्रॉपर्टी है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, इनर्शिया। समझ में आ गया बच्चों? अब इनर्शिया जो है वो रिलेटेड है लॉज ऑफ मोशन,
इस चैप्टर का नाम में ही है लॉज ऑफ मोशन। मोशन से रिलेटेड तीन लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करेंगे, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इस लॉ ऑफ इनर्शिया को थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप कुछ कुछ तो पहले ही समझ चुके हैं कि इनर्शिया का मतलब क्या है, कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया, कि वो रेस्ट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, कब तक, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाती। अब इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पैसेंजर एक्सपीरियंस ए फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन बस स्टार्ट्स। सपोज आप एक बस में जाके बैठे, स्कूल बस में जाके बैठे, अभी वो बस रुकी हुई है, दैट मीन्स वो अभी रेस्ट पे है। जब आप वहां जाके बैठे तो आप भी कौन सी पोजिशन पे है, रेस्ट पे। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, बस के साथ आपके फीट उसके टच में है, उसके कॉन्टैक्ट में है, तो आपके फीट तो किस में आ गए, मोशन में, बट आपकी बॉडी किस में थी, रेस्ट में। तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आप पीछे की तरफ एक फोर्स फील करते हैं। क्यों, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी अपोज करती है कि आपकी स्टेट चेंज ना हो, यानी आप रेस्ट में हैं तो आप किस में रहें, रेस्ट में ही रहें। लेकिन आप पीछे ही तो नहीं पड़े रहेंगे, आप आगे आएंगे, यानी आपने अपने ऊपर एक फोर्स लगाया। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, कब तक, जब तक हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। वही एग्जाम्पल, आप बस में बैठे हैं, बस एकदम से स्टॉप हो गई, रुक गई, तो अब बस मोशन में थी, बस के साथ साथ आप अपने ऊपर फोर्स लगा के आप भी मोशन में आ गए। जैसे ही बस रुकी, बस रेस्ट पे आई, बस के साथ आपके फीट कॉन्टैक्ट में है तो वो भी रेस्ट पे आ गए, लेकिन आपकी अपर बॉडी किस में थी, मोशन, आप आगे निकल गए। यानी आपके ऊपर फोर्स कहाँ लगा, आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप आगे की तरफ गिर गए थोड़ा सा। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए डायरेक्शन विल रिमेन कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका कहने का मतलब है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज आपकी बस बिल्कुल जीटी रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और अब आप स्कूल की तरफ टर्न ले रहे हैं, तो अभी आप एक डायरेक्शन में जा रहे थे, अब आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपकी बॉडी उसे भी अपोज करेगी। यानी जिस डायरेक्शन में आपकी बस टर्न होती है उस डायरेक्शन में आपके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। अगर राइट की तरफ होती है तो राइट, लेफ्ट की तरफ होती है तो लेफ्ट, आप उस तरफ झुकने लगेंगे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपकी बॉडी क्या कह रही है, जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहो। लेकिन हम ऐसे झुके नहीं रहेंगे, हम वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे, और कैसे आएंगे, आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स। और इसका एक एग्जाम्पल है, वी हैव टू टाई द लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए कार। अगर आप एक कार पे बहुत सारा सामान रख देते हो और फिर कार से कहीं जा रहे हो सकता है ये लगेज गिर जाए, तो इसीलिए इस लगेज को क्या करना पड़ता है, टाई करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब आपकी कार टर्न लेती है तो आपकी कार ने तो डायरेक्शन चेंज कर ली, बट जो ये जो लगेज इसके ऊपर रखा हुआ था ये कौन सी पोजिशन पे था, रेस्ट। ये अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाता, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेट चेंज ना करने की वजह से गिर सकता है, इसीलिए हमें से क्या करना पड़ता है, टाइम। एक और एग्जांपल है, सपोज आपका एक कारपेट है, गलीचा है, बहुत ही बड़ा है, धो नहीं सकते उसको, तो हम क्या करते हैं, धूप में उसे टांग देते हैं या रजाई है, और फिर उसको हम ऐसे डंडे से मारते हैं, उसको स्टिक से बीट करते हैं,
और बीट करने की वजह से उसमें से डस्ट पार्टिकल्स बाहर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप फोर्स लगाते हैं उस रजाई पे या उस कारपेट पे, तो क्या होता है, कारपेट और वो रजाई तो मोशन में आ जाती है, बट उस पे लगे डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, रेस्ट, जिस वजह से वो अपनी स्टेट चेंज ना करने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। और ऐसा ही एक और एग्जांपल है, अगर आपका कोई आसपास ट्री है जिस पे फ्रूट है और आपकी आप उसकी कोई ब्रांच को बिल्कुल बहुत ज़ोर से विग्रेसली शेक करते हैं, तो उस पे लगे हुए फ्रूट्स और लीव्स भी क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके फोर्स लगाने से वो ब्रांच तो मोशन में आ गई, बट वो फ्रूट्स और लीव्स मोशन में नहीं आए, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाए, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे।